अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो हम आज ये एक्टिविटी एक्सरसाइज वन से स्टार्ट करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये मैं आपको बताता जाऊंगा और साथ साथ आप लिखते जाइएगा, ठीक है। इन 3 2 5 6 मल्टीप्लाई 9 2 8 3 2 5 6 इज कॉल्ड। हमने बताना है कि मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो बड़ी वैल्यू होती है 3 2 5 6, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 5 6, उन्होंने पूछा हुआ है वो क्या कहलाता है। 3 2 5 6 इज कॉल्ड द मल्टीप्लीकेंड। क्या कहलाता है? मल्टीप्लीकेंड। मल्टीप्लीकेंड लिख लीजिएगा, फिर स्पेलिंग भी खुद ही लिख लेना है। ये मैं बता दूँ स्पेलिंग भी, MULTIPLICAND, मल्टीप्लीकेंड। अच्छा, द क्वान्टिटी बाई विच द मल्टीप्लीकेंड इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नोन, जिससे मल्टीप्लीकेंड मल्टीप्लाई होता है उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। जिस डिजिट ने मल्टीप्लाई होना होता है उसे क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। मैं ये बी वाली आप पढ़ रहा हूँ, क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर। उसका आंसर क्या है? मल्टीप्लायर, ठीक है। अब उसके बाद डिवीजन है, अगला क्वेश्चन है द नंबर विच डिवाइड अ डिविडेंट इज कॉल्ड। द नंबर विच डिवाइड अ डिविडेंट इज कॉल्ड डिवीजन, जिससे डिवीजन डिविडेंट होता है बड़े वाली वैल्यू और छोटे वाली वैल्यू होती है डिवीजन डिवीजर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा? डिवीजर। अब 18400 डिवाइडेड बाई 100, ये आपने खुद करना है डिवीजन करके, जैसे मैंने आपको कल तरीका समझाया था, वैसा क्वेश्चन खोल लेना है और फिर उस तरह करना है। अच्छा, अगला भी क्वेश्चन यही है कि 348 को अंदर रखना है और 12 को बाहर रखना है, इन दोनों की डिवीजन करनी है और जो रिमाइंडर है ना एंड पे बचता है, एंड वाली वैल्यू वो क्या आती है, ये भी करना है आपने, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब अगली है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। व्हेन 1485 इज डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर इज 0, ये जब 1485 6 को 1485 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। ये आपने खुद ही देखना है कि हमारे पास सही आंसर है कि नहीं, हमारा सही है तो ये हमारा गलत आंसर है, हमारे पास रिमाइंडर बचता है, ठीक है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द नंबर, अगला क्वेश्चन है इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 2429 इज द डिविडेंड, बिल्कुल ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ यू डिवाइड 3696 बाय 12 द क्वोशंट इज 308, ये आपने खुद डिवीजन करनी है। ये कुछ डिवीजन के क्वेश्चन है, जैसे मैंने डिवीजन करना आपको सिखाई है ना, आपने वैसी डिवीजन करनी है। और मैंने क्योंकि क्वेश्चन आपको करवा दिया, ये आगे आपका काम है कि करना और कैसे करना है, तो ठीक है। अगला जो सी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास टू स्टेटमेंट है, 3696 को 212 से डिवाइड करें तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो होता है 308 ही आता है। अच्छा, अब अगली स्टेटमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 274800, इफ वन ऑफ द नंबर इज 100 द अदर नंबर विल बी 27480, ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। द अगर नंबर दूसरा हमारा 10 होगा तो दूसरा नंबर हमारा फिर 27, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, डी वाली फॉल्स स्टेटमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लीकेशन करें, 1008 मल्टीप्लाई 35 करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 35280, इन्होंने लिखा हुआ 350280, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये सारे आपने एक्टिविटी करनी है और फिर मुझे दिखाना है, एक्टिविटी वन और एक्टिविटी टू सिर्फ करनी है, बाकी सिर्फ और सिर्फ पीछे से क्वेश्चन देख लीजिएगा, डिवीजन के क्वेश्चन हैं और मल्टीप्लिकेशन के, तो उम्मीद है सबको आ गई होगी समझ कैसे करना है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन करवा दिए और साफ साफ बताया हुआ है कि मल्टीप्लिकेंड में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसमें मल्टीप्लिकेंड कौन सा होता है, मल्टीप्लायर कौन सा होता है, प्रोडक्ट कौन सा होता है, और डिवीजन में मैंने बताया हुआ है डिवीजन कौन सा होता है, डिविडेंड कौन सा होता है, क्वेश्चन और रिमाइंडर कौन सा होता है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, आपने बस थोड़ी अक्ल के साथ काम लेना है और क्वेश्चंस करने हैं। उम्मीद है अल्लाह।